या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सलावात। खालिक मालिक रहमान अल्लाह अहले ईमान से मुखातब है, खिताब करके इरशाद फरमा रहा है, ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और इसके साथ साथ वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें साबित कदम भी रखेगा। इस आयत करीमा के बाद दूसरी आया है, वल्लज़ीना काफ़रू फ़तअसल्लाहुम व अज़ल्ला अमालहुम, और वो लोग जो कुफ्र इख्तियार करते हैं उनके लिए हलाकत है, उनके लिए पसपाई है, हार उनका मुकद्दर है, और उनके आमाल भी दुरुस्त नहीं हैं। इस आयत करीमा जो पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, तलबाए किराम उलमा जानते हैं इन कलमे शर्त है। अगरचे इल्म नाहव की किताबों में तलबाए किराम तवज्जो फरमाएंगे, इसको उन हरूफ में गिना जाता है और शुमार किया जाता है जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, क्योंकि ये हर्फ है, इसलिए हरूफ की सफ़ में इसको रखा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इन, जिसे इन्हें शर्तिया कहते हैं, ये दो फ़ेलों को जज़्म देता है। मैंने दो फ़ेल कहा है, फ़ेल मुज़ारे नहीं कहा, तलबा तवज्जो फरमाएं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इसके माँ बाद दोनों फ़ेल मुज़ारे होते हैं, यानी शर्त और जज़ा कहलाते हैं, और कभी कभार दोनों माजी होते हैं, और वो भी अगर माजी, वैसे तो आपको पता है मबनी अलल फतह होती है, लेकिन महलन इसको मजज़ूम कहा जाएगा। और तीसरी सूरत है कि शर्त फ़ेल मुज़ारे हो और जज़ा माजी हो जाए। चौथी सूरत ये है कि शर्त फ़ेल माजी हो और जज़ा मुज़ारे हो जाए। लिहाजा वो कलिमात जो दो फ़ेलों को जज़्म देते हैं, उसमें दो फ़ेलों को फ़ेल मुज़ारे के साथ मुकय्यद करना मेरा ख़्याल है दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसके दायरा को वसी किया जाए। ये एक फ़नी बात थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो ये इन इतना ताकतवर है, जैसा कि मैंने चंद दिन पहले बच्चों से अर्ज़ किया था, कलेमे इन ये इतना ताकतवर है कि बहुत सारे अस्मा इसके माना में होकर फ़ेल को जज़्म देते हैं। जब इसके माना में होंगे तो जज़्म देंगे, जैसा कि इल्म नाहव की किताबों में कहा गया है। यहाँ पर भी ये शर्त का माना रखता है इन, इसे इन्हें शर्तिया कहा जाएगा। तो माना ये बनेगा कि खुदा की मदद की शर्त ये है, अल्लाह शर्त लगा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद तब करूँगा इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। तो अगर अल्लाह की मदद नहीं करोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इन तंसुरुल्लाह,
अगर अल्लाह की मदद करोगे यंसुरकुम, तो वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और दूसरा काम है तुम्हें साबित कदम भी रखेगा। अब सबसे पहले तो इस बात की वजाहत हो जाए, नासरा यंसुरो का माना ज़ाहरी तौर पे आप मदद ही करते हैं और करना भी चाहिए, ये बाब इल्म सर्फ में ये बाब जिक्र होता है, जो मशहूर बाब है। कुरान में भी ये नासरा यंसुरो नसरन के उन्वान से कई बार इस मादा से लफ्ज़ आया है, जैसे नसर मिनल्लाह व फतहुन करीब ये आया है, इसी तरह आया मुबारक है यंसुरुनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिकून, ये आयत भी आई है। बहरहाल कई अंदाज से ये लफ्ज़ आया है कुरान में, जिसका माना है मदद करना या मदद का होना। तो यहाँ पर इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह तो सबसे बड़ा मददगार है, वो ताकतवर है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो मदद क्यों कह रहा है? तो ये बराए रास्त अल्लाह की मदद नहीं है, बल्कि इस अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के रसूल की मदद करो, अल्लाह के मिशन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जो अल्लाह की और रसूल की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के अहकाम की पासदारी करते हुए अल्लाह की मदद करता है, उसके बारे में भी कुरान कहता है, जैसा कि मैंने आयत की तिलावत की है, यंसुरुनल्लाह व रसूलहु मोमिनीन, जो अल्लाह की मदद करते हैं और उसके रसूल की मदद करते हैं दीन खुदा में, उलाइका हुमुस्सादिकून, ये ही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, और अल्लाह इनकी सच्चाई की गवाही दे रहा है। एक बार सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से, खालिक कायनात की मदद के हम हर वक्त मोहताज हैं, हर लहजा मोहताज हैं, नमाज पढ़ते हुए भी मोहताज हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, और उसकी अल्लाह की मदद होगी तो इंसान अपने तमाम आमाल में कामयाब होगा। अगर अल्लाह की मदद नहीं होगी तो फिर इंसान नाकाम हो जाएगा। आप नमाज में क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरा अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। गोया नमाज पढ़ते हुए भी बंदा मुतवज्जे है, और उसको होना चाहिए अल्लाह की मदद की तरफ, ताकि वो इस इबादत को मदद खुदा से मुकम्मल कर पाए। तो लिहाजा इबादत में भी, दुनियावी कामों में भी, और जितने काम हैं, अल्लाह की मदद का होना ज़रूरी है। बल्कि हर मकाम पे, जैसा भी आप देखते हैं, जब भी जो नुमाइंदगान खुदा थे, जिन्हें हकीकी इबादुल्लाह कहा जाता है, जब भी वो किसी मुश्किल में पड़े या परेशानी नज़र आई, तो उन्होंने खालिक के कायनात को ज़रूर पुकारा। जैसा कि बनी इसराइल के एक बहुत बड़े सिपहसालार, जिसे हज़रत तालूत कहते हैं, छोटा सा लश्कर लेकर किसके सामने जाते हैं? जालूत, ताकतवर लश्कर जर्रार रखने वाला, उसके सामने गए। जब लश्कर पे नजर पड़ी कि जालूत का इतना बड़ा लश्कर है, मिन हैसुल अदद भी ज्यादा है, असलहा भी ज्यादा है उनके पास, वैसे ताकत भी ज्यादा है, तो उस वक्त देखकर घबराए थोड़े से, लेकिन उनकी नजर उस खालिक पर थी, तो कहने लगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 250 है, कहने लगे,
रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें मुकम्मल तौर पे सब्र अता फरमा और हमें साबित कदम रख। तो फिर ख्याले के कायनात ने इनकी मदद की, बहुत बड़े लश्कर को इन्होंने पसपा किया और इसका भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया, फहाजमूहुम बिइज़्निल्लाह, तालूत के लश्कर को इन्होंने शिकस्त दे दी और वो शिकस्त खुर्दा होकर मैदान से भाग गया। तो मतलब ये है कि इरादा पुख्ता होना चाहिए, नीयत पुख्ता होना चाहिए जब भी आप अल्लाह के काम के लिए निकलें। ये कल किबला भी तशरीफ फरमा थे, यहाँ मोहतरम जाफरी साहब तशरीफ फरमा हैं, ये एक बात फरमा रहे थे कि जब इंसान के जेन में कोई हदफ होता है और उस हदफ को बार बार वो अपने जहन में दोहराता रहता है। इन्होंने एक आदमी का भी नाम लिया कि वो कहता था कि मैं हमेशा कामयाबी क्यों हासिल करता था, मसलन सुबह मुकाबला है तो पूरी रात मैं ये कहता रहता था कि मैंने कामयाब होना है और मैं इंशाल्लाह कामयाब लोगों में से कल होऊंगा, तो अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाता था। तो मतलब ये है, कोई काम भी है आप उसमें इरादा पुख्ता कर लें, अपनी नीयत को खालिश कर लें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाता है। मसलन अभी तलबाए किराम हैं, दुआ है इनके अभी इम्तिहानात कल से शुरू होने वाले हैं, खुदावंद मुताल इनको इसमें कामयाब फरमाए। इनका अगर इरादा पुख्ता हो जाए, जहन में ये हो कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है इम्तिहान में, जाहिर है ये फिर कामयाबी हासिल करनी है, सिर्फ इरादा तो पुख्ता काफ़ी नहीं है ना कि लेकर बैठ जाएं कि कल जनाब मैंने हर सूरत पास होना ही होना है, नहीं। इरादा पुख्ता से मुराद ये है कि इम्तिहान की तैयारी करें, पढ़ें, मेहनत करें ताकि कल, इसलिए बच्चों आपको पता है अर्राजुल इंदल इम्तिहान युकरम औ युहान, के मर्द जो है इम्तिहान, कोई भी इम्तिहान हो दुनिया का, चाहे वो मैदान वाला हो या वो किताबी इम्तिहान हो या कहीं किरदार का इम्तिहान हो, इम्तिहान के वक्त मर्द जो है उसका या एहतराम होता है या उसको एहानत से और जिल्लत से दो चार होना पड़ता है। अगर कोई फेल हो जाए और कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तो ये ही समझा जा सकता है कि उसके अंदर की हिस मर चुकी है कि जिसको फेल होने के बाद कोई परवाह नहीं है। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे नजफ अशरफ में कि एक जमाना था कि कोई स्टूडेंट, कोई तालिबे इल्म जब फेल हो जाता था तो कई कई दिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता था कि लोग सामने आएंगे, लोग जिनको पता है कि फेल हो गया वो मेरी तरफ देखेंगे कि ये वो आदमी है जो इम्तिहान में फेल हो गया। जिनको नहीं पता, सिर्फ पता है कि इम्तिहान दिया है, वो मुझसे पूछेंगे क्या बना आपके रिजल्ट का, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं फेल हो गया। मर्द के लिए बहुत बड़ा ऐब है कि वो कहे मैं फेल हो गया, चाहे कोई मैदान हो दुनिया का। वो मर्द मर्द नहीं है जो अपनी जबान से कहे कि मैं फेल हो गया। हाँ, अब हीले बहाने बड़े खूबसूरत हो गए हैं, लहजे भी अच्छे हो गए हैं, एक किस तरीके से बयान किया जाता है। अगर कोई फेल हो जाए, ये पूरी दुनिया में अब हो चुका है, तो स्टूडेंट फेल होने वाला कहता है यार मुझे तो फेल कर दिया गया है, ये कोई नहीं कहेगा कि मैं फेल हो चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि खुदावंद मुताल पे अत्तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना है और मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। फिर क्या है, व तफवीज़ुल अम्र इलल्लाह,
अपने मुआमलात को अल्लाह के सपुर्द कर देना है। मेरा अल्लाह, मैंने अपनी ताकत के मुताबिक अच्छी और खालिस नीयत के साथ मैंने मेहनत की है, मेरा अल्लाह अब मुआमला तेरे हाथ में है, जैसे तू चाहे वैसे तू कर सकता है, तू कादिर भी है, लेकिन या अल्लाह तेरा लुत्फ चाहता हूँ, तेरी मदद की ज़रूरत है, तू मदद करेगा तो मेरी कामयाबी है, व इल्ला मेरी कामयाबी नामुमकिन है। अब अल्लाह जब कहे कि मैं तुम्हें साबित कदम रखूंगा, अब अल्लाह का साबित कदम रखना, और ये आयात सूरह मोहम्मद की हैं और इसमें जंग का जिक्र है जैसा कि आप जानते हैं। अब ये अल्लाह के हाथ में है साबित कदम रखना भी, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला वाका आप जंग के वक्त इतनी ताकत से लड़ते हैं कि कोई आपका सामना नहीं कर सकता है, चाहे जितना बड़ा बहादुर हो। आपको पता है मौलाए कायनात ने बहुत सारी जंगें की हैं, और जिस जंग में अली मौजूद थे इस्लाम को कामयाबी, इस्लाम को फतह नसीब हुई है। तो मौला वाका आप किस ताकत से लड़ते हैं जबकि जहरी तौर पे आपका जिस्म कमजोर है? तो मौला कायनात ने फरमाया, बिकुवतिन इलाहिया, मैं अल्लाह की दी हुई खास ताकत से लड़ता हूं, इसलिए मुझे कामयाबी हासिल होती है। और दूसरा, नियत भी खालिस होती है, जैसा कि रसूल इस्लाम ने अली की नियत के बारे में बयान फरमाया, जब अम्र इब्ने अब्दुवद के मुकाबले में जा रहे थे तो उस वक्त लोगों ने कहा, अली तो अपनी नियत को जानता है ना, अली की नियत हमेशा खालिस लिल्लाह हुआ करती थी, और इसकी गवाह, इस बात की गवाह वो मौलाए कायनात की वो हरकत है जो मैदान में थी, जब एक बहुत बड़े बहादुर को मौला ने गिराया और सीना पे सवार होते हैं, ये गुस्ताखी करता है, ये लुआबदान फेंकता है मौला के चेहरे मुकद्दस पे, तो मौला को जाती गुस्सा महसूस होता है, फौरन इसको छोड़कर इसके सीने से हट जाते हैं। किसी ने पूछा, और दूर बैठने वाले वो कहते हैं ना, वरल मिसाल नहीं देता, पंजाबी की मिसाल है, अब मुझे वो लफ्ज नहीं आएंगे इसलिए नहीं देता, तो उनको ज्यादा जल्दी थी, जिनके दिलों में खौफ था कि अली जल्दी करे इसका सर कलम करके आ जाए ताकि ये हमारे करीब ना आ सके या हमें ना जाना पड़े इसके मुकाबले में। तो देखा अली जब उतरे हैं तो कहने लगे कि देखो अली ने क्या कर दिया है। अब देखिए, आप तसव्वुर करें कि इमाम के फेल को ये शक की निगाह से देख रहे थे, इसलिए कौमें कामयाब ना हुई, क्योंकि जो हुज्जत खुदा है उसका फेल और अमल भी हमारे लिए हुज्जत है। अगर ये हुज्जत मानते होते तो ऐसा एतराज ना करते। जब अली ने इसके सीने को छोड़ा तो कहा, ये देखें क्या कर रहे हैं, तो पैगंबर ने फरमाया कि ये अली से ही पूछ लेना। अली से जब पूछा गया तो फरमाया, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए काम करता हूं, अल्लाह के लिए मैदान में गया था, अल्लाह के लिए इसको गिराया था, अब जब इसने गुस्ताखी की तो मुझे जाती गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि अली अपनी जात के लिए नहीं करना चाहता है, अपने खुदा के लिए करना चाहता है, इसलिए मैंने उसके सीना को छोड़ा और दोबारा लिल्लाह इसको कत्ल भी किया है। तो नियत खास थी लिल्लाह, जिस अमल में भी, जैसा कि कहा जाता है, अल आमालो बिन नियत, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर नियत, जैसा कि आपकी किताब है अदाबुल मुतालिमीन, उसमें या मुनियतुल मुरीद में सबसे पहला मौजू ये किताब है हाजी साहब सिद्दीकी साहब, तलबा के बारे में कि तालिबे इल्म को कैसे होना चाहिए,
तालिब इल्म को कब सोना चाहिए, तालिब इल्म को कब मुतालिया करना चाहिए, तालिब इल्म को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारे आदाब उलमा ने बयान किए हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि इल्म दीन में ये मुखलिस हो और खालिसतन लिल्लाह इल्म दीन को हासिल करे। अगर नियत इल्म दीन के हुसूल में खालिस होगी तो कामयाब। अगर दुनियावी उमूर के लिए अपना सीना चौड़ा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं भी आलिम हूं इसलिए पढ़ेगा, तो इसका इल्म इसके लिए वबाल जान बन जाएगा और इज्जत का बाइस नहीं बनेगा। इल्म वो ही काबिल इज्जत और वो ही इज्जत देगा जिससे इल्म में कुर्बत खुदाबंदी होगी, जिसमें कुर्बत खुदाबंदी नहीं होगी। इसी तरह इबादात हैं जितनी, अगर दिखावे की हो गई, नियत खालिस ना हुई तो फिर ये इबादतें भी बेकार हैं, रियाकारी में चली जाएंगी, शिर्क का ठप्पा लग जाएगा, शिर्क की मोहर लग जाएगी। और जिस पे शिर्क की मोहर लग जाए उसके आमाल काबिले कबूल नहीं होते हैं। दुआ है खालिक कायनात हम सब को सही और खालिस नियत से खालिक के जितने काम और अहकाम हैं उनको बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है अपने